हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं एक ऐसा इफेक्टिव तरीका आपको बताने वाली हूँ, जितने भी आपके बाल झड़ रहे हो, सब बालों का झड़ना आपका रुक जाएगा। और इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे झड़ने दो ही बार में आपके बाल जो झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, आपके गंजापन है, आपके बाल नहीं जो है लंबे हो रहे हैं, लेंथ से भी बढ़ेंगे, झड़ना तो बंद हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग जो है कमेंट फीडबैक मुझसे शेयर करते हैं। और मुझे जो है कल भी एक कमेंट मिला था, वो अभी मैं पिन कर दूंगी, उनके जो बाल थे 80% तक झड़ने बंद हो गए। थैंक यू सो मच, आप जो है फीडबैक जरूर से सभी लोग शेयर किया करें। और जो जो मैं खाने के लिए बताती हूँ, डाइट जरूर से फॉलो कीजिएगा। अगर आप डाइट फॉलो करेंगे और जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करती हूँ वो लगाएंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिएगा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, देखिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है ये है मेथी दाना। और देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमें ले लेना है। और फर्मेंटेड हम जो है इसका वाटर तैयार करेंगे। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, मेथी जो है हमारे बालों को लॉन्ग करती है, स्ट्रांग करती है। अगर आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आपके बाल जड़ों से ही आते हैं, आपके बाल काले रहेंगे, मजबूत रहेंगे। अगर आपकी जड़ मजबूत है तभी तो आपके बाल लंबे बनेंगे। तो आप जो है बालों को स्ट्रांग करने के लिए सामान यूज करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून के करीब मेथी दाना ऐड करूंगी इस खाली कंटेनर में। आपको भी कंटेनर ही लेना है। तो चलिएगा, 4 टेबल स्पून में यहाँ पे मेथी दाना ऐड कर देती हूँ पहले। तो देखिएगा, इस तरीके से मैंने ले लिया और इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ। आप जो है अपना स्पून से भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिएगा, इतना मैंने ले लिया है इस तरीके से। और आप अगर आपके बाल ज़्यादा घने हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ले लेना। और हम इसमें जो पानी ऐड करेंगे, यानी कि वाटर ऐड करेंगे, 1/2 ग्लास के करीब वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 1/2 ग्लास के करीब मैंने इस तरीके से पानी लिया। आपको ध्यान रखना, देखिए काफ़ी लोगों का पानी जो होता है वो फिल्टर वाला नहीं होता है, खारी पानी जिसे बोलते हैं, नमक वाला पानी होता है, उसमें सोडियम की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, तो उससे भी बाल आपके झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जो लेती हूँ, ये आरओ का पानी है मेरे पास, फिल्टर पानी है। अगर आप फिल्टर आपके पास पानी है तो उसी का ही आप इस्तेमाल करें, ताकि आपके बाल सॉफ्ट भी बने और आपके बाल टूटने भी बंद हो जाए। तो इस तरीके की पानी इसमें ऐड कर दिया है। देखिएगा, अब मेरा फ्रेंड्स सेकंड इंग्रेडिएंट जो यहाँ हमें लेना है, कलौंजी और ऑनियन सीड्स इन्हें बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून इसे ऐड कीजिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा, मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर दे रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब। देखिएगा, 2 टेबल स्पून मैंने जो है स्पून टी वाली ली है। इस तरीके से आप 2 चम्मच के करीब ऐड कर दीजिए। अब इस कंटेनर को हम कर देंगे बंद, और ये 2 दिन के लिए हम इस कंटेनर को इसी तरीके से बंद रखेंगे। 2 दिन के बाद ही मैं जो है आपसे शेयर करती हूँ। वही हमारा फर्मेट जो वाटर है हमारा तैयार होगा, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्क करेगा हमारे हेयर में। तो चलिएगा, 2 दिन के बाद मैं आपको उसको शेयर करती हूँ। देखिएगा, 2 दिन हो चुके हैं और ये फर्मेंटेड वाटर हमारा जो है बनकर रेडी हुआ है मेथी का। तो चलेगा, अब हम इसे खोल लेते हैं। तो देखिएगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये मेथी जो है और कलौंजी इस तरीके से फूल गई है। और पानी का आप कलर देख रहे हैं, देखिएगा कितना ज्यादा जो है डीप कलर हो गया इसका, एकदम जो है ब्लैकिश आप कलर देख रहे हैं। और यही हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी करेगा, घना करेगा, बालों का झड़ना बिल्कुल 100% आपका बंद हो जाएगा इस वाटर से। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें, मेथी का और कलौंजी का सब जो है गुण आ चुका है पानी के अंदर। तो चलिएगा, स्ट्रेन आउट कर लेते हैं, हम छान लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्ट्रेन आउट कर लीजिए इस तरीके से, देखिएगा। और ये आपको जो आप मेथी देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखिएगा, ये जो मेथी और कलौंजी है आपको इसे मिक्सर में डालकर पीस लेना है। और इसका हेयर मास्क आप तैयार कर लीजिए और दही में आप इसे मिक्स करके अपने हेयर में लगाइएगा। बहुत ही अच्छा आपको कंडीशनर भी करेगी, आपके हेयर को हेल्दी बनाएगी। तो दही में आप इसे डालकर मिक्स करके अपने हेयर में लगा सकते हैं एज ए हेयर मास्टर है। तो चलिएगा, इस वाटर की ही हमें जरूरत थी। तो देखिएगा, ये हमारा जो वाटर आप देख रहे हैं इस तरीके का बनकर रेडी हो गया है। अब देखिएगा, जो हमें चाहिए होगा, देखिएगा ये है ऑलिव ऑयल, ये देखिएगा, और ये देखिएगा, ये है विटामिन के कैप्सूल। तो यहाँ मैं 4 कैप्सूल अपने बालों के हिसाब से ले लूँगी, और आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं अगर आपके बाल पतले हैं। तो मैं यहाँ पे 4 कैप्सूल्स ले रही हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 4 कैप्सूल्स मैंने ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरीके से जो है हम इसका ऑयल डाल देंगे इन कैप्सूल्स का, इसमें इस तरीके से आपको डाल देना है। और देखिएगा फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हो तो आप इसमें जो है 1/2 टेबल स्पून ये देखिएगा, ये है ऑलिव ऑयल, वो ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा, मेरे बालों में जो है झड़ने की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसमें ऑलिव ऑयल
नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बालों में ज़्यादा झड़ने की प्रॉब्लम है तो हाफ टेबल स्पून आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कीजिएगा। अब जो है आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है अच्छे से मिक्स कीजिए इसे, बहुत अच्छे से कि ये मिक्स हो जाए। और आप इसके अंदर जो है हाफ टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। आप तीन में से कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, आप विटामिन ई का ऑयल ले सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो तीन में से कोई सा भी ऑयल आपको लेना है, क्योंकि ये सब विटामिन ई ही इनमें होता है सबसे ज़्यादा। इस तरीके से ये देखिएगा मिक्स कर दीजिए। और अब आपको एज ए सीरम के तौर पे इसे हेयर में लगा लेना है। तो चलिएगा अब हम इसे हेयर में आपको लगा के दिखाते हैं। देखिएगा कुछ इस तरीके का बनकर रेडी हो गया, और हमने इसमें जो है इसे सीरम बोतल में डाल लिया है। और ये बोतल मेरी पास थी सैनिटाइजर की, पड़ी थी, मैंने इसे क्लीन आउट करके इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहे तो कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो चलिएगा मैं अपने हेयर में इसे आपको लगा के दिखाती हूँ। आपका लगाने से पहले बता देती हूँ कैसे लगाना है। आपका हेयर अगर दो दिन पहले आपने वॉश आउट किया कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा गंदे हेयर में आपको नहीं अप्लाई करना है। मैंने दो दिन पहले ही अपना हेयर वॉश किया था, तो मैं अपने हेयर में इसे अप्लाई करूंगी। और आपको ध्यान रखना, आपके हेयर में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एज ए टोनर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आपके बालों का झड़ना रुकेगा। अगर आप गंदे से गंदे हेयर में आप अप्लाई कर लेंगे तो बाल आपके झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, क्लीन हेयर में ही आप इस्तेमाल करें, ऑयलिंग आपके हेयर में नहीं होनी चाहिए और कंडीशनर नहीं लगा होना चाहिए। तो चलिएगा लगाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरीके से आप जो है रूट्स निकाल लीजिए अपने हेयर की, और इस तरीके से शेक कीजिए इसे अच्छे से, क्योंकि हमने इसमें विटामिन ई का ऑयल डाला था, वो अच्छे से शेक हो जाना चाहिए। कोई सा भी आप ऑयल डालते हैं अच्छे से शेक हो जाना चाहिए। और इस तरीके से आपको जो है बहुत अच्छे से एक एक रूट में आप इसे अप्लाई करें, और इस तरीके से जो है हेयर की मसाज कीजिए। इस तरीके से मसाज कीजिए, एक एक रूट की आपको मसाज कर लेनी है। और जो है आपको पूरा एक दिन इसे छोड़ देना है। अगर आपको मतलब लगता है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, तो आप जो है सिंपल वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं, और एक दिन बाद आप जो है हल्का माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है रूट्स बाय रूट्स निकाल कर अपनी मसाज करनी है। इस तरीके से आप रूट्स बाय रूट्स निकाल लीजिए इस तरीके से, और 2 से 3 मिनट एक एक रूट में आपको बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि जड़ों से ही आपके बाल मजबूत होते हैं। जड़ों में जाएगा तभी आपके बाल जो है झड़ना बंद होंगे। और ध्यान रखें, अपने खाने पीने का जरूर से आप ध्यान रखिए। लौकी का जूस आप जरूर से पिया करें, एलमोंड खाया करें भीगे हुए, यानी कि सोक्ड, ओवरनाइट सोक्ड आप एलमोंड मॉर्निंग में जरूर से लिया करें। आंवले का प्रयोग कीजिए, फिर देखिएगा आपके बाल जो है झड़ना बंद होंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको जो है रूट्स बाय रूट्स निकालकर आपको अच्छे से मसाज कर लेनी है। इसे आप जो है वीक में 2 बार जरूर से इस्तेमाल कीजिए, और फिर आप मुझसे रिजल्ट जरूर से शेयर कीजिएगा। ये खराब नहीं होगा आपका, आप इसे जो है फ्रीज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, 7 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतना ही वाटर डाली है जो आप अपने हेयर के अंदर आप एज ए सीरम के तौर पर लगा सके, इतना ही आपको पानी डालना है। और आप इसे फ्रीज में रख दीजिए, जब आप फ्रीज से निकाल देते हैं तो कम से कम 3 घंटे आपको इसे बाहर रखा रहने देना है, एकदम ठंडा आपको अपने हेयर में इस्तेमाल नहीं करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।